कुछ लोगों को बड़ा पश्चाताप होता होगा जो एकदम बूढ़े हो जाते, उनको कभी कभी बुढ़ापा सोचने का भी मौका देता, सोचने का मौका नहीं देता है। बंधु, एक साथ शरीर में 5-6 रोग हो जाएं तो फिर आप ये समझ लो कि हम अब दोबारा जवान हो सकते नहीं है। और अच्छा, तो फिर गुरु बनाने को क्या फायदा? तो अब सुनो, एक साथ में 80-85 रोग, 84 भी हो जाए तो भी अच्छे गुरु के पास में जाओगे तो दोबारा जवान हो सकते हो। पर गुरुजी ऐसे चाहिए कि 3 बजे उठते हो। अब गुरुजी 11 बजे उठती हो कंबल में से, तो चेला झुझरो 6 बजे मर जाए तो गुरुजी कैसे पतो चलेगी? बता भाई, पतो भी तो गुरुजी को पतो चलना तो चाहिए कि मेरा चेला मरियो धरियो है, मर सके। जलेबी अगर चौड़े खुले में परात में रखी है तो आप कितनों छन्ना लगाओ, कितनों हाथ फड़फड़ाओ, पर मक्खियां भिन भिनाए बगैर मानती नहीं है। तो हमारा जीवन भी जलेबी की तरह चौड़े में पड़ा है, बीमारियां हर समय मंडरा रही हैं, उनसे बचना है तो कांच की पेटी में जलेबी धरो, खुद को सुरक्षा दो। कांच की पेटी में 4 दीवार होती है, 1 छत होती है, 5 का बॉक्स बनता है। परमात्मा ने पहले ही 5 तत्व से यह शरीर बनाया है बॉक्स, इसमें जो आते हैं वो पूर्णतः सुरक्षित कहलाते हैं। पर कांच की पेटी भी तब सुरक्षित रहती है जब उसको संभालने वाला हलवाई सही हो, बुद्धिमान हो। नहीं तो आपने कई जगह देखा होगा हलवाइयों के दुकान पे वो बॉक्स तो कांच को ही बन रहो पर वो 3 जगह से चटक रहो, ससुरो कहीं से भी हाथ डाल के निकाल लो समोसा, क्योंकि हलवाई न भी किसी किसी हलवाई में भी तो मानवता नहीं है ना, वही इतने दरिद्र और इतने पेटू टाइप हो जाता है कि उनसे ही वो सरका सरकी ना होवे काउंटर की, तो किसी दिन सरकाने के चक्कर में ऐसो सरक गो के काउंटर पूरा ही पलटा मार गो और औंधे मुंह गिरे और टूट फूट के फिरी। अब दोबारा बनवाने जैसी सेटिंग है नहीं तो टूटे फूटे को उसने टेप फेप लगा के शीशा को, टेप फेप लगाने का मतलब होता है यहां रोड डल गया, वहां रोड डल गया, यहां नली घुस गई, यहां ये घुस गया, ये सब टप चुपका चुपकी है। और एक बार शरीर में चुपका चुपकी हो जाए तो फिर ये जो है परिक्रमा देने की ना बोलता है, फिर ये परिक्रमा देने के लिए शरीर ना ही बोल देता पहले से, अरे रोड पड़ा है मेरे तो स्ट्रेन पड़ा है, मेरे तो हार्ड में स्प्रंग पड़ी है, मोटरसाइकिल के स्टैंड में स्प्रंग होती है तो काम करती और यहां पड़ जाए तो काम ही ना करती, परिक्रमा बंद। चुप रहो घर पे, गुस्सा भी आए तो नीचे कर ले मीटर है बैठते, हाई गुस्सा में भी जंप निकल सके, स्प्रिंग भाग सके, कुदक के भिन्ना है प्राण बच रहे। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव कहे थे कल, संभल संभल कर पैर रखो, ये फूल नहीं अरे ना इसका इतवार है रे, ना इसका इतवार है। रात को आदमी सही सोए और सवेरे देखे तो यहां ऐसी सूजी सी निकले, क्या हो जाए, रात रात में लाल पड़ गई है, ऐसी सूज गई है, दर्द के मारे जान निकल रही है और रात को बड़ी चोखी बड़ी मलूक अच्छी, कहा है वो रात में सोते सोते कुछ घुसे हो ना, ये बीमार कैसे पड़ गई? कुछ नहीं पता कैसे बीमार हो गई। रात को अच्छे भले टीवी देखकर बतरा के सोए और सुबह 3:30 बजे ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी बॉडी में, ऑक्सीजन कम हुआ कि सोते ही रह गए पापा, बड़ा मुश्किल है महाराज। इसीलिए भगवान सुखदेव जी के पास में राजा परीक्षित पहुंच गए,
पहुंचे किन परिस्थितियों में वो सब कथा जानते हैं आप। बृहतो कर्म दूषितम्, कर्म आदमी का जब दूषित हो जाता है तो उसके पास में झूठा झूठी चपका चपकी करने से लाभ नहीं होगा, हानि होगी, ये ध्यान रखना। जिंदगी में टोकनी में, फ्रीज में टोकनी में, डलिया में अगर कोई बैंगन टमाटर सड़ जाए तो वो दूसरों को भी सड़ाना शुरू कर। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के उठा के जल्दी बाहर करो उसे। जिंदगी में जितनी जल्दी बंधुओं बुराई तुमसे दूर हो जाएगी, बचे टमाटर बच जाएंगे, नहीं तो वो खाने से पहले ही सड़ जाएंगे। और भाई साहब सुनिए ना, टमाटर एक एक करके नहीं सड़ाता है, बैंगन एक एक करके नहीं सड़ाता, ये ध्यान रखना। एक साथ कई को सड़ा देता है, जो भी उससे जुड़ा है उन सबको बिगाड़ देता है। नस्त भोगस्य कृतम क्रिया, और फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। इतना सत्संग सुनकर के भी अगर हमारी बुराई हमसे दूर नहीं हो पा रही है तो स्वस्थ रहने का सौभाग्य मन से निकाल दो, ये भूल में मत रहो। अचानक तुम्हारे ऊपर ऐसा अतिक्रमण होगा बीमारी का कि फिर उसका इलाज डॉक्टर के पास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार कोई कहते हो और हम नहीं सुनते हो, टालते हो, तो आप समझ लेना कि यमराज के नजदीक जाने धर्मराज इधर उधर घूम रहे हैं और यमदूत ही हमें संकेत कर रहे हैं कि अभी समय है, बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ। बंधुओं, मोबाइल की वजह से काफी फायदे भी हुए हैं। मोबाइल को अगर मैप पे लगा दिया तो उसमें लाल लाल सी लकीर सी आ जावे रोड पे, कहीं गड्ढे फड्ढे हैं, कीचड़ है, कहीं पानी भर रहा है, ट्रैफिक है, तो मोबाइल दूर से ही बता दे कि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ पर रास्ता अच्छा नहीं है। तो आप अब अपने जीवन का मोबाइल इंद्रदेव को या सत्संग को समझो, ये पहले से ही बता रहा है। यम पश्यो न नेत्रान गति भूयम, कभी कभी आदमी को अपनी आंखों से ही गड्ढा नहीं दी करो। गड्ढा कितनी दूर है? 2 मीटर दूर। वो तो जब गाड़ी फुल स्पीड में गड्ढा में कूदे और यहां ते जीभ कट के बाहर टपके तप तो चले रे मर गया रे कट गई रे। जिस चौकट में निकलते निकलते हम पूरे 26 साल के हो गए, कभी नहीं टकराए और आज सीधे पैर के अंगूठे का नाखून पूरा उसी चौकट ने निकाल के फेंक दिया। बोलिए, घर की चौकट में रोज 10 बार जाएं, 10 बार आएं और उसी अभ्यास के घमंड में एक दिन नाखून निकाल दिया चौकट ने, ऐसा अंगूठा टकराया महाराज। आपको पता था टोपी वाले का अंगूठा टकराएगा इस चौकट से? अच्छा बोलो, अंगूठा तोड़ने के लिए कोई पैसा खर्च करे वो? चौकट लगवावे वो ऐसी अंगूठा तोड़ा है? अच्छा बोलो, मारने वाली भैंस गैया कोई रखे? पतो चलते से भैया चाहे 5,000 सस्तो बेको। अच्छा लोग, फिर कुछ लोग समझदार रहे हुए, भाई ये मारती है, ये किसी व्यक्ति को गृहस्थी को मत दो, इसको क्या करना फिर? तो कहा फिर इसको कसाई को दे दो, रट्टो ही खत्म है जा। तो आदमी रट्टा खत्म करने के चक्कर में पाप में पड़ जाता है महाराज। महात्मा इंद्रदेव ये बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में पशु मारता है और मारने वाले पशु को कसाई को देना उसका कोई उपाय नहीं है, उस पशु को भी सुधार कर सीधा किया जाता है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान पशु में भी पाया जाता है। अगर वो ऐसे ही मारने वाला होता तो फिर वो सबको मारता, घर में 2 को नहीं मारता, 2 को चाटता है, बाकी को मारता है। 2 को अगर हम प्यार कर सकते हैं तो हम 3, 4, 5 को भी कर सकते हैं, 10, 20, 50 को भी कर सकते हैं। कौन सा प्यार? व्यवहार प्यार, व्यवहार का। जितनी जरूरत है उतना गाय भैंस सबसे प्यार करे, और जरूरत से ज्यादा किसी से करने वाला सिस्टम है ही नहीं पशुओं के पास। हमको भी पूरे संपूर्ण समाज से प्रेम करना है, पर व्यवहार प्रेम करना है। यावते कर्मम विभूषितम जातः, कभी कभी आदमी अब व्यवहार में भी प्रेम कर लेता है, व्यवहार है ही नहीं और प्रेम
नादानी की दोस्ती जी का जज्जार हो जाता है। बोलिए, आंखों के सामने एक छोरा पैंट पहन के जींस में बीसीए के सेकंड ईयर में पढ़ रो और लाली खूब देख रही है, अगर रोज सिगरेट पीवे जई दुकान पे खड़े हो कॉलेज के बाहर, और फिर भी प्यार हो गया। अब बताओ, सिगरेट के ऊपर सीधो लिखे हुए कि जी कैंसर करेगी, फिर भी प्यार हो गया। पांचवें दिन सिगरेट से भी नहीं सुधरी छोरी, पांचवें दिन बियर बार में टुल्ला मार रहा ग्लास में डाल के, और लाली संग में बैठी है। आप, मैं नहीं लेती, नहीं मैं लेती नहीं हूं, हमारे घर में अलाउ नहीं है। अलाउ? अच्छा, ये चीजें घर में अलाउ होती हैं, बाबड़े बना रहे हैं कि नहीं? हम, हमारा घर अलाउ नहीं करता है इन चीजों। अच्छा, घर ने ये अलाउ, ये छूट दी है कि तू सिगरेट और शराबी से कर ले लव यू, ये अलाउ किया है? बस शराब अलाउ नहीं, शराब हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स वगैरह जो अलाउ नहीं करते शराब को, सिगरेट को, तो क्या अलाउ करते हैं फिर? सिगरेट और शराब दोनों मिक्स हो जाएं तो आदमी के फेफड़े खत्म होने में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो बेटी, इतना ही शौक है तो बिना पति को, तो फिर काय को पति ढूंढ रही है? एक हंसी की बात याद आ गई, ने कह लूं या बात हुए, एक छोरी को राजस्थान में भयो ब्याह, और ब्याह कब भयो? जून में बड़े साए निकले, आंधी मिलमा धूर आवे दही बूरे में। जून में ब्याह भयो लाली को, पति ऐसा मानो जैसे हमारे जयंत पाटिल का बेटा, ऐसा पति मान लो। जून के महीने में तपतपा की गर्मी में सवेरे नहावे को मम्मी के पास में गयो, मम्मी गर्म पानी कर दियो, गर्म पानी, गर्म पानी, महाराज ऐसी रंगीली चूड़ियां पहनी बहू ने, लाल हरी पीरी यहां तक भर रखी, जैसे गर्म पानी मांगियो चूड़ियां तोड़े हुए लगी। सबरी चूड़ी तोड़ दई, ओ छोरा की माँ कहवे, ओ छोरी, ओ बहू, ये अशगुन होवे, अपशगुन कर रही है तू, आज ही तो ब्याह बहो, और आज ये का कर रही है, आज ये ना करे, अपने आप भी चूड़ी टूट जाए तो भी भगवान से क्षमा मांगनी पड़े, तू का कर रही है। तो कहा, मैं वही कर रही हूँ जो जनवरी में है व्यवहारों में, आज ही तैयारी कर रही हूँ। जून के महीना में जिसको गर्म पानी से नहाना है वो जनवरी में कैसे जिंदो रहेगो, या के मारे में 6 महीने विधवा है गई, ऐसा मान के या को संग ना चाहिए, मैं या से टच ना है नो चाहू मरे मराए ते। फिर ऐसा ही मैं उन बहनों को कह रहा हूं जो आंखों देखे सिगरेट शराब वाले से प्यार करके ब्याह करने का सोच रही है, वो पहले तैयार रहो कि हमारा विवाह न हुआ है न होने और हो के भी चलने वाला नहीं, क्योंकि हमें अकेला ही रहना है, वो तो पीवे गो तो। रुकिए, वो क्या है, शुरू में महात्मा इंद्रदेव की जो कैसिट है वो शांत मोड में रहती है। एक बार महात्मा जब मोड में चले गए तो मोड पे मोड बदलते चले जाते महाराज। ये जो नए टाइप के जो सिगरेट बाज है ना, जो नई नई सीखते हैं, वो बड़ी स्टाइल से धुआं फेंकते हैं, और जो पुराने खली पर है जाए पीपी की, उनमें स्टाइल बचता नहीं, वो ससुर अपनी नहीं तोड़ते रहे, नाक में घुसते रहे, क्योंकि वो ताकत ना बचे होटल में ना, क्योंकि होटों में भी ताकत कम उम्र तक रहे हमेशा ना रहे।
अगर होठों में ताकत हमेशा रहे तो बूढ़े आदमी का कप 4 फुट दूर ही गिरेगा, पर ऐसा बूढ़े का होता नहीं। वो वही काफी कोशिश करता है फेंकने की पर वो फेंकता नहीं, क्योंकि होठ जो है अनकंट्रोल लेवल पे चले जाते हैं। शरीर के जितने दरवाजे हैं धीरे धीरे ढीले और बेकार हो जाते हैं, ऐसा समझ करके कथा समझ ले महाराज। बृहदो इदन्नमम सर्व, और महात्मा इंद्रदेव क्या चाहते हैं, जैसा परमात्मा ने तुम्हें बाल अवस्था दी है वह अवस्था मृत्यु पर्यंत हमारे संग ही रहनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे महाराज बचपन कैसे रहेगो, हम तो है 70 साल के, तो फिर तुम लोग ही तुम वो बतावे सबरी बात अन्य है। क्या कहते हैं समाज के लोग जरा सुनिए तुम्हारी बात, तुम्हारी ऊपर थोपड़ देता हूं मैं तो। हम जो सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों का जो मन है वे ना वो बच्चन को सो रहे वे, बूढ़े में और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। अगर बूढ़े में और बच्चे में फर्क नहीं है तो फिर इसका मतलब इंद्रदेव सही कह रहे हैं, बचपन हमेशा साथ ही रखना है, फर्क करना भी नहीं है। पर फर्क क्या किया, बूढ़े का मन तो बच्चों जैसा ही है चटपटा, पर बूढ़े की हरकत बूढ़े जैसी है। मन अगर बच्चे जैसा है तो बूढ़े का चरित्र भी बच्चे जैसा निर्मल पवित्र ही होना चाहिए। अच्छा बोलो 3 साल को बच्चा तुमने बीड़ी पी में तो देखे हो शराब, फिर ये 70 साल को बुढ़ा क्यों चूस रोया है? हाँ? सबरे ढिंगोरी सब जगह से बूढ़ा हो गया है, पर बाकी तो आप बड़े जानकार हो गए हैं।